সপ্তমমান শ্রেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰি স্কুললৈ যোৱা বাদ দিছিল নেহাল আলমে। জবকাৰ নেহাল আলমৰ প্ৰতিভা এতিয়া দৃষ্টি কাঢ়িছে ৰাইজৰ। 20 বছৰীয়া নেহালৰ প্ৰতিভা দেখিলে আপুনিও ভাল পাব। একেবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ দৰে কমেণ্ট্ৰি কৰে নেহাল আলমে। নেহালৰ হিন্দী কমেণ্ট্ৰি মিলিয়ন মিলিয়ন লোকে শুনিছে। হাজাৰ হাজাৰ লোকে নেহালৰ কমেণ্ট্ৰিৰ প্ৰশংসাও কৰিছে। হয়, কথাতে কয় বোকাত পদুম ফুলে বুলি। তাৰ এক উদাহৰণ হৈছে দমকাৰ নেহাল আলম। মাত্ৰ সপ্তমমান শ্ৰেণীলৈকে অধ্যয়ন কৰা নেহালৰ হিন্দী আৰু ইংৰাজী কমেণ্ট্ৰিয়ে দৃষ্টি কাঢ়িছে ৰাইজৰ। দমকাৰ নাম দমকা পথাৰ গাঁৱৰ নেহাল আলমে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ দৰে কৰিব পাৰে কমেণ্ট্ৰি। কি হিন্দী কি ইংৰাজী, অতি সুন্দৰকৈ কমেণ্ট্ৰি কৰিব পাৰে নেহাল আলমে। গাঁৱে ভূঞে য'তেই ক্ৰিকেট খেল হয় ত'তেই কমেণ্ট্ৰি কৰিবলৈ দৌৰ মাৰে নেহাল আলমে। নেহালৰ বহুকেইটা কমেণ্ট্ৰি ইতিমধ্যে ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। হাজাৰ হাজাৰ লোকে প্ৰশংসা কৰিছে নেহালৰ কমেণ্ট্ৰিৰ। আপোনাৰ এলেকাতো যদি ক্ৰিকেট কমেণ্ট্ৰিৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে নেহাল আলমৰ সৈতে। আমি শুনাই লৈছোঁ নেহালৰ কমেণ্ট্ৰিৰ কিছু নমুনা। ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিঅ'টো। तेरा बड़े पारी में बड़े मैचेस में खेलने का क्षमता है, काबिलियत है इस बल्लेबाज की। बात छोटी बॉल, ये पर बड़ा पहाड़ और हाय क्या फील्डर, मगर इसको भी लिख दीजिए खाते में 6 रन। और एक समय लग रहा था हाथ में चली जाएगी, मगर फील्डर से काफी दूर और उछाल दिखे। फिर से इस बार गुड्डू बैक ऑफ डिलीवरी, इस बार पंच लगाया, ओह कबर की ऊपर से, कबर को किस तरह से क्लियर किया। ये देखिए उनका कला में कितना पावर है, इतना आसान नहीं होता कबर के ऊपर से शॉट खेलना, वो भी चक्का और सॉफ्ट टेनिस बॉल पर। यहां पर कमाल दिखाया मारूफ ने, इस बार 6 रन। ओह देखिए शॉट, नजाकत भरा हुआ स्टॉक और एक 6 रन। और गेंदबाजी के मोर्चे संभालने के लिए दूसरी ओवर का आगाज देते हैं इसका इमरुल। बॉलिंग मैच में जो अच्छा ऑलराउंडर ईशानगर सनराइजर्स क्लब के लिए खेलते हैं, पहला बॉल सामने रहा इमरुल का गुलाब। बैक ऑफ लेंड ने पुश किया मिड विकेट की दिशा में, 6 रन। शुआइब ने भी लगाया था अब्दुल्ला, पांचवा बॉल शॉट, 5 गेंदों में 5 चक्का, लगातार चक्कों की बारिश। हवाई यात्रा पे एक बार फिर गेंद गई, दर्शक बने खिलाड़ी और खिलाड़ी बने दर्शक, देखते ही रह गए खिलाड़ी। प्रथमे मय दबका लाइव समु दर्शक स्वागतम जनाइसु, आरो ए गोराकी होइसे हे गोराकी कमेंटेटर, खूब सुंदर कमेंट्री करे। आज आपनलक सिनाकी करम आरो एखन खेल पतरक खूब जी छयर बरखुण कब लगे छयर जी बरखुण यह खेलपतारते हैं और जीगी जुवक हिंदी कमेन्ट्री आपे शुने यहगी जुवक मैं कथ पाती मैं तुम लोग इन सुंदरक कमेन्ट्री इन सुंदरक क्या खेलपतार जी सक्का हर पीछे तुम जी धुनिया क्या कैने। सबसे पहले मैं जावेद भाई को ये कहना चाहता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम कमेंट्री स्टार्ट किया था, मैं खेलने के लिए गया था एक टूर्नामेंट पे, तो वहाँ पर जाकर मैंने पहले बॉल डिफेंस किया था, उसके बाद आउट, अंपायर ने गलत आउट दी थी, तो अंपायर हो जाता है गलती हो जाती है अंपायर से, तो मैं आकर जब बैठा तो वहाँ पर कमेंट्री चल रहा, तो वहाँ पर इतना अच्छा नहीं लग रहा था कमेंट्री, तो मैंने उसको जाकर पूछा कि मुझे थोड़ा सा कमेंट्री करना, तो उन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं आप कमेंट्री कर नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पर आप लोग करेंगे तो ऑडियंस का रिएक्शन कुछ अलग आएगा, तो आप कमेंट्री मत करो, आपको दे नहीं सकते। फिर मैंने फोर्स करके उन लोगों से स्पीकर छीना, तो मैंने जब कमेंट्री करना शुरू किया, जब दू तार वर्ड कमेंट्री किया, तो उसके बाद सभी लोग आकर मुझे देख रहे थे और सभी लोग बोल रहे हैं, उन लोगों की कमेटी के मेंबर्स भी बोल रहे हैं कि आप कमेंट्री करो, तो वहाँ पर मैंने बस उस दिन खेलने के लिए गया था कमेंट्री का, उसके बाद मेरे एक फ्रेंड उस कमेंट्री को वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके बाद स्टेटस पे लगाया, तो बाद मुझे एक दिन हमारे गाँव में एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया, तो वहाँ पर भी मुझे बुलाया कमेंट्री करने के लिए, वहाँ पर मैंने कमेंट्री किया, तो वहाँ से मुझे जो एक्सपीरियंस जो कॉन्फिडेंट मेरे पास वो कॉन्फिडेंट आ रहा है। कमेंट्री करने का एक चीज़ आपके पास होना चाहिए, रिदम होना चाहिए आपके पास, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि बड़े फॉर्मेट में क्राउड भी होता है, साथ ही साथ इतने भी ऑडियंस होते हैं, दर्शक होते हैं, तो उनके सामने आपको डरना नहीं है, फुल कॉन्फिडेंट के साथ वहाँ पर आपको फुल रिदम के साथ आपको कुछ कहना है तो कुछ लेक्चर देना है या फिर कुछ कमेंट करना है, तो फुल रिदम के साथ आपको करना है कॉन्फिडेंट के साथ, तभी आप लाइफ में जाकर सक्सेस होंगे। तो मैंने भी उस रिदम को रखा और अल्लाह का शुक्रिया, अल्लाह ने मुझे ये कॉन्फिडेंट दिया, रिदम दिया, मैं हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उस कॉन्फिडेंट के साथ आज तक भी मैं कमेंट्री कर रहा हूँ और इस तरह की इस फील्ड में जितने भी छक्का लगता है वो मेरी बॉल से कमेंट्री लोग सुनते हैं, 6 गेंद पर भी 6 छक्का लगाते हैं, वहाँ पर भी मैं कमेंट्री करता हूँ, तो लोग सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह हमेशा मेरे को सपोर्ट करते रहे, साथ ही साथ डबोका लाइव को भी सपोर्ट करते रहे, जेके लाइव को भी सपोर्ट करते रहे, और इस तरह की मज़ेदार मैच, इस तरह की मज़ेदार कमेंट्री हर दिन हमेशा देखते रहे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट डबोका लाइव। इस बार गुड्डू बैक ऑफ डिलीवरी, इस बार पंच लगाया
ओ कबर की ऊपर से कबर को किस तरह से क्लियर किया।